वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग शटरिंग एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास फुटिंग हो या कॉलम हो उसके बारे में जानेंगे कि शटरिंग एरिया जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा फुटिंग का शटरिंग होता है उसका एरिया निकालना। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस तो पता ही है कि हमारे पास शैलो फाउंडेशंस होते हैं, डीप फाउंडेशंस होते हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है इससे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है इसी चैनल पे, उसको आप जाके देख सकते हैं। अब शैलो फाउंडेशन डीप फाउंडेशंस में भी क्या होता है कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग्स होते हैं शैलो फाउंडेशन में, कि हमारे पास रेक्टेंगुलर फुटिंग हो गई, स्टेप्ड फुटिंग हो गई, स्ट्रैप फुटिंग हो गई, मैट हो गया, राफ्ट हो गया। बट एक कॉमन जो हम लोग देखते हैं जितने भी नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो रेक्टेंगुलर फुटिंग ही होती है। अगर मैं ट्रेपोजॉइडल पोर्शन की भी बात करूं तो ट्रेपोजॉइडल पोर्शन में भी जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है सिर्फ उसी के लिए हम लोग शटरिंग एरिया निकालते हैं। तो आज हम लोग कंप्लीटली देखेंगे कि कैसे हमारे पास अगर एक फुटिंग है और उसका अगर हमको शटरिंग एरिया निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। तो सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक शटरिंग एरिया है, सपोज मैं जस्ट एक लाइन प्लान जो है उसका वो बना दूंगा कि हमारे को अगर मैं ये टॉप से देख रहा हूँ तो टॉप से देखने पे अगर मेरे को ये 1.5 मीटर मिल रहा है, ये भी 1.5 मीटर मिल रहा है, उसका जो पेरीमीटर है कि अपने को कितना उसको लेंथ और उसकी कितनी विड्थ लेनी होगी, तो सपोज 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर है। अब मैं अगर फुटिंग के डेप्थ की बात करूं कि हमारे पास जो फुटिंग है उसका डेप्थ कितना होगा, तो फुटिंग का डेप्थ जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन की बात करें तो आपका जो फुटिंग का डेप्थ होगा, सपोज यहाँ पे जो मैं फुटिंग का डेप्थ ले रहा हूँ वो आपका 500 mm का ले रहा हूँ सपोज। तो इसके लिए जब मेरे को अगर निकालना होगा कि फुटिंग का एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो इसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है, जितने भी हमारे शटरिंग मटेरियल्स होते हैं उसके लिए जो हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो स्क्वायर मीटर का होता है। अब स्क्वायर मीटर मतलब यहाँ पे मेरे को यहाँ जो सेक्शन मिल रहा है इसका एरिया निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी और इसकी हाइट कितनी होगी। ये तीनों डायमेंशंस की हेल्प से हम लोग निकालेंगे इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं 2L + B × H, ये हमारा एक फॉर्मूला हो सकता है। और अगर सपोज मान के चलिए कि अगर ये दोनों डायमेंशंस इक्वल हैं तो मैं डायरेक्टली इसको 4 × साइड्स कर सकता हूँ, 4 × साइड्स × जो आपका हाइट रहेगा वो भी कर सकता हूँ। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इजीली उस चीज को फाइंड आउट कर लें। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहाँ जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS and RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। या तो मैं इसको रनिंग मीटर में भी निकाल सकता हूं कि यहां से 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 × 0.5, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो यहां पे हम लोग जो ज्यादातर फॉर्मूला यूज करते हैं वो एरिया का 2L + B × H ही करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज ये 1.2 हो जाए तब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, यही वाला आएगा। तो यही वाले फॉर्मूला से अगर देखें कि हमको अगर इसके एरिया को निकालना होगा तो 2 × L कितना हो गया मेरा यहाँ पे 1.5 प्लस विड्थ कितना हो गया यहाँ पे भी 1.5, दोनों को ऐड अप करके इनटू जो इसकी हाइट है या इसके डेप्थ ऑफ फुटिंग की बात करें, जो कि आपको ऑलरेडी जो आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है जिसमें सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग होती है जिसमें फुटिंग डिटेल्स दी होती हैं,
उसकी सारी डिटेल्स आपको उस समय मिल जाती है कि कितना लेंथ होगा, कितना विड्थ होगा और कितनी हाइट होगी। तो यहाँ हाइट क्या हो जाएगी, 0.5, ये 500 mm है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर्स। तो यहाँ से हमको ये एरिया निकल जाएगा इस फुटिंग का। अब जैसी एरिया निकल जाता है, जो भी यहाँ पे एरिया आता है, सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं 1.5 + 1.5 = 3, 3 × 2 = 6, 6 × 5 लगभग 3 स्क्वायर मीटर के आसपास का एरिया आ रहा है इस फुटिंग का। अगर आपको और कैलकुलेट करके दूसरा डिफरेंट आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। यहाँ पे 3 स्क्वायर मीटर का अगर एरिया आ रहा है तो अगर इसके लिए मेरे को देखना हो कि प्लाई कितने लगेंगे, तो यहाँ पे जो अपन प्लाई को निकालते हैं, प्लाई का जो साइज रहता है वो 1.22 × 2.44 का रहता है, नियर अबाउट ये 3 स्क्वायर मीटर के एरिया के बराबर ही रहता है। जो हमारा एक प्लाई आता है, एक प्लाई का जो एरिया होता है वो 3 स्क्वायर मीटर के इक्वल बराबर आता है। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मेरे को यहाँ पे फुटिंग की शटरिंग करनी होगी, कि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ये शटरिंग लगानी है चारों साइड्स, तो वहां कितने नंबर ऑफ प्लाई लगेंगे। तो कितने नंबर ऑफ प्लाई निकालने के लिए जस्ट अपन क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ प्लाई इज इक्वल्स टू शटरिंग एरिया, शटरिंग एरिया डिवाइडेड बाय प्लाई का एरिया। तो यहां पे मेरा जो शटरिंग एरिया है वो 3 आया है, प्लाई का एरिया भी 3 आया है, तो 1 नंबर अपन देख सकते हैं। और इसमें अपन प्लाई के केस में ये भी देखते हैं कभी कभी कि यहाँ पे जो प्लाई रहता है उसका वेस्टेज भी हम लोग 10% लेके चलते हैं, तो नियर अबाउट 1.1 प्लाई के आसपास लगेगा। तो एट द एंड क्या होता है कि पूरी की पूरी प्लाई तो आ जाती है, उसको बस अब क्या करेंगे, उसको इन साइजेस के अकॉर्डिंगली कट करेंगे और यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे और हमारा फुटिंग का एरिया उसके साथ में ही प्लाई भी लग जाता है। अब प्लाई के साथ बैटन्स भी लगता है और डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो नंबर ऑफ पूरे शटरिंग मटीरियल्स की क्वांटिटी निकालना, इसका भी वीडियो बन चुका है, आप इसी चैनल में जाके आप ये सर्च कर सकते हो कि हाउ टू कैलकुलेट शटरिंग मटीरियल्स फॉर क्वांटिटी सर्वेइंग वर्क, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो। देन अब ये तो बात हो गई फुटिंग की, कुछ नहीं बस एक फॉर्मूला यूज करना है आपको, लेंथ विड्थ और हाइट आइडेंटिफाई करना है, वहां से आप फुटिंग का एरिया इजिली निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम की। तो चलिए अब कॉलम शटरिंग एरिया का कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम का सेक्शन बना देता हूँ। सपोज मैं बोलता हूँ कि ये जो कॉलम है मेरा वो 300 mm by 600 mm का है, ठीक है। अब ये 300 mm by 600 mm का है और जो मेरी हाइट है कॉलम की, वो हाइट जो है आपकी वो 3 मीटर की है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली 2.4 मीटर तक कास्ट होता है, बट अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पे हाइट 3 मीटर मान के चलते हैं। अब जो मोड ऑफ मेजरमेंट मैंने बताया था वो स्क्वायर मीटर है, तो अगर मेरे को इसके शटरिंग एरिया को निकालना होगा तो उसके लिए जस्ट एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, 2L + B × H। जब भी आप कॉलम के लिए सॉल्व करेंगे तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, फुटिंग के लिए भी आपको यही यूज़ करना है। बीम के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो कॉलम का शटरिंग एरिया है वो ऐसे ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे 2 × अब यहाँ पे एल क्या हो गई, यहाँ पे सपोज लेंथ मान लीजिए 0.3 मीटर की हो गई और जो इसकी विड्थ है, विड्थ हो गई 0.6 मीटर्स की और जो इसकी हाइट है वो 3 मीटर की। तो जस्ट हमको क्या करना है, अब इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को रखना है, तो 0.3 + 0.6 × 3। यहाँ से जो भी आंसर आता है इसका, उसको आप लोग एरिया कितना आ रहा है स्क्वायर मीटर में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके साथ साथ में जैसे मैंने बताया कि एक प्लाई का एरिया अगर 3 स्क्वायर मीटर के इक्वल आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर मेरे को शटरिंग करनी होगी इसमें, तो कितना प्लाई लगेगा ये भी ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये इसी तरीके से बस हम लोग शटरिंग एरिया को कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप इंजीनियर्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।